देखिए कितना साफ, अभी देखो एकदम साफ आपको क्रोकोडाइल दिखेगा। देखना ये नज़ारा, बीच में मालगाड़ी, फिर माउंटेन और बाजू में होने वाला एक खूबसूरत सा सनसेट और ये प्यारा सा व्यू देख लो आप, बेहद खूबसूरत, मन मोहन कर देगा आप। नेक्स्ट लेवल है भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल देख लो कैसे चढ़ रही है देख लो। ये राजस्थानी सॉन्ग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेवल जो ब्लॉग में। जैसे कि आपने मेरा टाइटल और थंबनेल देख ही लिया है कि आज मैं कहाँ पर आया हूँ, तो ये है वरावल गांव, ये चौराहा है वरावल गांव का और यहाँ पर ये शोरूम है और पीछे खड़ी है हमारी प्यारी सी जिप्सी जो हमें आज सफारी कराने वाली है। और मैं आज जवाई सफारी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, बहुत ही फेमस है, मशहूर है इंडिया के अंदर में और ये पड़ता है पाली डिस्ट्रिक्ट में, तो इसकी फुल डिटेल मैं आपको दूंगा। एक बार चलते हैं फटाफट, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हर चीज़ का एक लिमिट होता है और जो जो जगह हम जाने वाले हैं वहाँ पे अंदर अगर हो गया तो मतलब जो जो चीज़ें हैं वो मिस हो जाएगी, तो एक बार से चलते चीज़ की आपको डिटेल देंगे। तो चलो चलते हैं, एक बार बैठते हैं और करते हैं सफारी की शुरुआत। और ये है आज की हमारी जिप्सी और ये पूरी टीम हमारी आज हमारे साथ में और ये हमारे ड्राइवर साहब, तो चलो चलते हैं एक बार। तो निकल चुके हैं सफारी के लिए, और निकलने के बाद में फर्स्ट गांव आ चुका है, ये दुधनी गांव। यहाँ पर भी बहुत सारे जिप्सी खड़े हैं और काफ़ी कस्टमर फॉरेनर्स लोग वगैरह यहाँ पर हैं। ये देखिए सामने से भी काफ़ी जिप्सी में सफारी करने के लिए काफ़ी कस्टमर लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। तो ये जो दुधनी गांव आया था, उस दुधनी गांव से एक रोड जाता है, कच्चा रोड है आप देख सकते हो। ये रोड से अब हम जा रहे हैं जवई बांध की तरफ में, जो कि काफ़ी मशहूर है पाली डिस्ट्रिक्ट में। ओह सुपर, देख लो ये नज़ारा देख लो, फर्स्ट इंप्रेशन बांध का पूरा पैक है पानी से। तो अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया बांध के पास में हम आ चुके हैं, उस बांध के बॉर्डर पे ही हम चल रहे हैं। देखिए बाजू में बांध है और अभी टाइम हुआ है 4:20 और इस बांध के बारे में आपको बताता हूँ। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है ये जवई बांध, तो थोड़ा और नज़दीक से आपको दिखाएंगे और जो जो चीज़ें यहाँ पर देखने जैसी है वो भी आपको दिखाएंगे। और खूबसूरती देखिए यहाँ की, बेहद खूबसूरत है और टूरिस्ट लोग काफ़ी अपने अपने जिप्सी में खड़े रह के फोटोग्राफी वगैरह करवा रहे हैं। कितनी जिप्सी मैंने अभी तक तो देख ली है, मतलब काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं इस सफारी को एंजॉय करने विद फैमिली। देखिए नज़ारा देखिए आप, बेहद खूबसूरत। और देखिए जिप्सी कहाँ पर भी चढ़ जाती है, अभी एक जिप्सी टूरिस्ट को लेकर नीचे उतर रही है, ये छोटा सा पहाड़ है अभी हम भी इस पर चढ़ रहे हैं। अरे बाप रे, ओ ये देखिए रोड, देखिए रोड देखिए आप, ये देखिए अरे बाप रे। ये एक्सपीरियंस करना ज़रूर, बहुत बेहद खूबसूरत है ये देखिए, इनकी हमेशा की हैबिट है। बाकी रोड देखिए आप, ये देखिए अभी आप फिर ऊपर चढ़े फिर नीचे आप, यहाँ पर भी देखिए टूरिस्ट है, यहाँ पर भी टूरिस्ट है। अरे बाप रे, ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। और ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, इतने टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं सफारी करने के लिए, अभी और आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये दूरबीन है, इससे हम देखेंगे। तो जवई बांध को देखने के लिए अभी हम आए हैं, तो मैंने उनको पूछा कि मतलब सिर्फ बांध ही दिखाएंगे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे 500 से 600 क्रोकोडाइल्स है, तो वो क्रोकोडाइल्स हम देखेंगे। हिंदी में कहते सीधा मगरमच्छ, तो बहुत सारे हैं जवई बांध के अंदर में, तो उस मगरमच्छ का आनंद लेंगे, उनको देखेंगे।
और आपको भी दिखाएंगे अगर नज़दीक में दिखते हैं तो। वैसे एक दो दिख रहे हैं लेकिन थोड़े दूर है तो आपको हम दूरबीन के थ्रू दिखाएंगे। देखते हो आईफोन का कैमरा उसमें लगा के अगर दिख जाता तो। अभी ये दूरबीन है हमारे पास में, जैसे राकेश सिंह जी देख रहे हैं तो इसके थ्रू मैं कोशिश करता हूँ आपको क्रोकोडाइल दिखाने की। पहले एक बार मैं देख लेता हूँ। अभी ये दूरबीन से आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सेट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो आपको क्रोकोडाइल दिख रहा होगा, ये मैंने अभी सेट किया है दूरबीन के पास में, जूम किया है 2x पे अच्छा दिख रहा है, वैसे 3x भी करके दिखता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा हाथ हिलक रहा है उस वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है, बाकी तो ये देखिए कितना साफ। अभी देखो एकदम साफ आपको क्रोकोडाइल दिखेगा। यहाँ पर सारे जो भी गेस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो सारे क्रोकोडाइल वगैरह देखते हैं, जवाई बांध का आनंद लेते हैं और रील्स वगैरह बनाते हैं, फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, और प्री वेडिंग वगैरह रहती है तो वो भी फोटोशूट के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपने देखा ही नज़ारा कितना बेहद खूबसूरत है। और मुझे भी कैप पहना दी इन्होंने, साथ में लेके आए थे सब दूरबीन कैप वगैरह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए अभी एक जिप्सी हमारी थी, कितने सारी जिप्सीज आ गई यहाँ पे और टूरिस्ट कितने सारे आ गए नीचे गए हैं पूरे फोटोग्राफी रील्स वगैरह करने के लिए। तो चलो अभी चलते आगे की ओर में। अभी एक घंटा हमने यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह की और काफ़ी रील्स वगैरह शूट किए, तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे क्या है देखने सा वो भी दिखाएंगे आपको। अब निकल चुके हैं जवई बांध से, क्रोकोडाइल वगैरह देख लिया, काफ़ी सारे फोटो और रील्स वगैरह शूट कर लिए और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट माउंटेन हिल्स पे। तो ये कैसी जगह है क्या है तो चलो जाके करते एक्सप्लोर और आपको भी दिखाते हैं। और ये नज़ारा देखिए भाई साहब, रोड देखिए किस तरह से जिप्सी यहाँ पे जा रही है, और सनसेट भी आपको दिखाएंगे ज़रूर, अभी वक्त है काफ़ी। और राजस्थान में आएंगे तो ये नज़ारे तो आपको तो दिखने ही वाले हैं, चाहे कोई भी गांव में जाओ, कोई भी शहर में जाओ, भेड़ बकरियाँ गाय भैंस सब चीज़ आपको दिखेगी राजस्थान में। और ये चलते हैं रोड से और हम चलेंगे नीचे की ओर से, ये देख लो। ये सफारी की खास बात ये है कि मैंने जो आपको रुपेंद्र सिंह जी से मिलवाया, जो पीछे बैठे अभी हमारे, जिन्होंने पूरा अरेंज करवाया इस सफारी को, इस सफारी के अंदर में आप अगर इनसे अगर कांटेक्ट करके सफारी अगर करवाओगे ना, तो इतनी फैसिलिटी आपको ये सफारी के साथ में देंगे, जैसे कि वाटर बोतल आपको फ्री ऑफ चार्ज, जितनी चाय आप सफारी के दरमियान पी सकते हो, और चाय वगैरह की पूरी फैसिलिटी आपको इनकी तरफ से ही। अगर आप चाहो कि मुझे चाय पीनी है, ठंड का मौसम है अगर आप आ रहे हो सफारी करने तो आपको चाय पीनी है, तो चाय का पैसा पूरा इनके पास, पानी वगैरह सब इनके पास में रहेगा। जैसे अभी हमको भी चाय पानी चाहिए तो अब हम यहाँ पर रुके थे, लेकिन पूरा इनके थ्रू है। तो थैंक यू सो मच रूपसा, ऐसे ही सारे टूरिस्ट जो भी आएंगे उनको ऐसा सपोर्ट करते रहना। तो इनकी पूरी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका कांटेक्ट नंबर, इनका एड्रेस वगैरह, कभी आप आना चाहो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही भाई साहब आपको मिलेंगे, यही ड्राइवर आपको और ये कार वगैरह आपको मिलेगी यहाँ पर। और ये देखिए आप, ये इस तरह से रोड है, बाजू बाजू से पेड़ भी आ जाते हैं तो झुकना पड़ता है। ये देखिए अभी चढ़ेंगे इस पर, इस हिल्स पे। ये देखिए जिप्सी की ताकत देखिए, पकड़ के बैठिए सारे लोग, देखिए आराम से बैठे हैं। बाकी रोड देखिए कहाँ कहाँ से इन्होंने ये रोड बनाया है, हालांकि रोड नहीं है, प्योर पहाड़ है। अरे बाप रे ओ माय गॉड। ये देखिए आप कितने ऊपर आ गए, हम देख सकते हो आप, अभी भी जा रहे हैं ऊपर भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल है। और एक जिप्सी यहाँ पर खड़ी है, ओ भाई साहब देखो कितने ऊपर आ गए हम, ये देखिए अब, ये देखिए ये वाली पहाड़ के ऊपर में हम चढ़ने वाले हैं। तो अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत भयंकर है। और ये चढ़ा जी, नेक्स्ट लेवल है भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल देख लो कैसे चढ़ रही है, देख लो। ये राजस्थानी सॉन्ग है, आ गए फाइनली ऊपर और आ चुके अभी हम हमारे माउंटेन हिल्स पे, जो सेकंड पॉइंट था हमारा। और यहाँ पे ना क्या है इम्पोर्टेंट, सबसे व्यू बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लोग व्यू देखने आते हैं और फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। देखिए अभी फिलहाल तो हम ही आए हैं, काफ़ी लोग चले गए आकर। और यहाँ पे क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट में व्यू तो है ही है, लेपर्ड पॉइंट भी है आजू बाजू में, मतलब लेपर्ड भी देख सकता है क्योंकि घना जंगल है ही है। और सामने सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक रेलवे लाइन भी दिख रही है आगे सामने,
आप ये वाली रेलवे लाइन आपको क्या पता दिख रही है नहीं? हाँ ये देखो सामने है, ये रेलवे लाइन है। अगर कोई ट्रेन वगैरह यहाँ से गुजरती है तो उसका व्यू शानदार आता है, और शाम के वक्त में सनसेट अगर होगा तो वो वाला व्यू भी आपको यहाँ पे अच्छा दिखेगा। और सेकंड, इसके पीछे की तरफ में जवाईवान भी दिखता है, अगर आप मतलब जूम करके बताऊंगा तो भी दिखेगा नहीं, यहाँ से खड़े रह के आप ओरिजिनली देखोगे तो जवाईवान भी पीछे की ओर दिखता है। बाकी ये जो पूरा व्यू है ना, इतना बढ़िया है, मतलब आपको यहाँ आके इतना मन मोहन कर देगा ना, आप खुश हो जाके, इतनी शांति है यहाँ पे। लेकिन मैं कब से इंतज़ार कर रहा था ट्रेन का, और फाइनली ट्रेन आ चुकी है। आपको दिखा तो मालगाड़ी जा रही है, ये देखिए, ये तो सीन देखने के लिए लोग आते हैं। माउंटेन के ऊपर से देखना ये नज़ारा, बीच में मालगाड़ी, फिर माउंटेन, और बाजू में होने वाला एक खूबसूरत सा सनसेट, और ये प्यारा सा व्यू देख लो आप, बेहद खूबसूरत, मन मोहन कर देगा आपका, मैंने बोला आपको। और ये जो मालगाड़ी जा रही है, ये डबल डेकर वाली जा रही है, ये एक्चुअली राजस्थान में चलती है, देखिए आप। तो ये इसीलिए मैं आपको बता रहा था, ये वाला जो पॉइंट है काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ पे चलो थोड़ा सा थंबनेल वगैरह शूट करेंगे, क्योंकि व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और उसके बाद में हम सनसेट वगैरह भी देखने जाएंगे। लेपर्ड सफारी के लिए आए हैं तो लेपर्ड भी देखेंगे और आपको भी बताएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी पूरी ट्रैकिंग रहती है, इनको पता रहता है कि कहाँ पर लेपर्ड है या कहाँ पर नहीं है, तो पूरी अभी जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे लेपर्ड सफारी के लिए। आप सामने की ओर देख सकते हो पहाड़ पर, और तीन चार जिप्सीज खड़े हैं, देखिए आपने, वहाँ पर भी लोग शूट कर रहे हैं फोटोग्राफ वगैरह, रील्स वगैरह, क्योंकि एरिया काफ़ी सुंदर है ये। और फाइनली अभी माउंटेन से निकल चुके हैं, और अभी जिसका इंतज़ार था और जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे जवाई सफारी के लिए, अभी हम जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं लेपर्ड अगर दिखेगा तो, बहुत ख्वाहिश है, आज तक कभी लेपर्ड देखा नहीं है, तो सफारी में अगर दिख गया तो आपको भी दिखा देंगे, और मेरा भी ड्रीम कम्प्लीट हो जाएगा लेपर्ड देखने का। और खूबसूरत सा सनसेट यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पे दो जिप्सी खड़े आप देख रहे हो, शायद यहाँ पे लेपर्ड दिख रहा है सामने पहाड़ पे, तो दूरबीन के थ्रू सारे लोग देख रहे हैं, तो हमारे पास में भी दूरबीन है, तो हम भी देखेंगे। थोड़ा सा हम आगे की ओर में जाके खड़े रहेंगे, ये देखिए इस तरह से दूरबीन से देख रहे हैं, और पीछे और भी कारें आ रहे हैं। और यहाँ पे तो मैंने जो दो गाड़ी दिखाई, यहाँ पे देखिए भंडार है जिप्सियों का, मतलब यहाँ पे लेपर्ड है सामने, इसीलिए यहाँ पे सारी गाड़ियाँ हैं, और हम भी यहाँ पर ही अभी रुक के लेपर्ड को देखने वाले। और काफ़ी जिप्सी, मतलब ये देखिए पीछे तो मैंने देखा ही, यहाँ पे इतने सारी जिप्सी, अंदर देखिए और अंदर इतनी जिप्सीज गए, तो 100% यहाँ पे ही लेपर्ड है। तो चलो हम भी एंजॉय लेते हैं लेपर्ड का। और बात करूँ ना यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं ये अहमदाबाद साइड से, मतलब गुजरात की ओर से। ये जो जवाई सफारी है इतनी फेमस है, और लेपर्ड तो यहाँ पे 100% दिखना ही है, जवाई बांध इतना फेमस है, और आजू बाजू में काफ़ी सारी चीज़ें घूमने लायक है, और माउंट आबू सबसे बेस्ट, वो भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, उदयपुर यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो बहुत सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस है यहाँ से बहुत नज़दीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं है जवाई सफारी के बारे में। तो ये उसी लिए मैंने स्पेशल ये ब्लॉग बनाया है कि आप ये माउंट आबू और उदयपुर अगर आ रहे हो तो जवाई सफारी मिस मत करना, यहाँ पर आगे ही जाना। टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा माउंट आबू और उदयपुर से, और टोटल इसकी टोटल डिटेल्स है मैं डाल दूंगा, कहाँ पे पड़ता है, कैसे आना है। वैसे जवाई सफारी तो आप यूट्यूब गूगल मैप कहाँ पे भी डालोगे तो वैसे आपको शो हो जाएगा। तो देखिए इतनी पब्लिक यहाँ पर आती है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितने टूरिस्ट आते हैं। तो आप लोग तो माउंट आबू और उदयपुर जैसी जगहों पे घूम के गए होंगे, लेकिन अपनी जवाई सफारी को मिस कर दिया। तो चलो अभी इंतज़ार करते हैं लेपर्ड का, जैसे आएगा तो आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। ये टोटल 70 से 80 जिप्सी, मैंने अभी हमारे ड्राइवर साहब को पूछा तो बोले 70 से 80 जिप्सी। आप सोचो अभी इनका सीज़न है, 31 दिसंबर तक इनका सीज़न है। वैसे तो ये जो सफारी है 12 महीने चालू रहती है, कभी भी आ सकते हो 12 महीने में, लेकिन आज 70-80 जिप्सी, मतलब इनकी पैक है, मतलब कितनी पब्लिक आई है, एक एक जिप्सी में 8-8 लोग बैठ रहे हैं, 6 लोग 7 लोग 8 लोग, मतलब इतनी पब्लिक आई है, मतलब 1000 लोग तो अभी यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए फॉरेनर्स भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आते हैं। और अभी कुछ खबर आई है, इन सबको खबर आती है कि वहाँ आगे कुछ लेपर्ड उतरा है, तो देखिए सब जिप्सी भाग रही है, देख सकते हो आप,
हम भी जा रहे हैं उनके पीछे, ये भी जा रहे हैं सारे। ये देखो फुल स्पीड में, मतलब ये तरह में देखो पूरा धुआं दिखेगा आपको जिप्सी के। ये फॉरेस्ट वाले लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। और इन्होंने बताया कि टॉप टॉप पे है, तो सब अभी यहाँ रुके हैं मतलब टॉप पे देखने के लिए। टॉप पे देखो आपको दिखेगा। तो अभी कैमरा थोड़ी देर चालू रखता हूँ, सुनिए मैं अब दिख जाएगा तो देखते। नीम जैसी झाड़ी दिख रही है। हाँ ये यहाँ पे दो मैं 3x कर रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है। वो देखो पेड़ के सामने ही है ये देखिए, दिख रहा है आपको। ये देखिए ये लेपर्ड है, और एक ये तरफ में भी है। ये देखिए, ये देखो आपको, ये आपको दिख रहा है। मैं आपको दूरबीन में लगा के देखता हूँ। अब सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, काफी जिप्सी यहाँ पे है। टॉप पे देखिए, दूरबीन से देखिए इतनी कारे जिप्सीज आ रही है अंदर से। सारे लोगों ने देखे, वो आ गए, बाहर आ गया, वो आए। देखो अभी मैं आपको दूरबीन में बता रहा हूँ, सब दूरबीन लेके लेपड़ों को देखने के लिए बिजी है, इसलिए सबको लेपड़ देखना है। तो अब सारे दूरबीन देखे, राकेश जी वगैरह हमारे साथ सब देख रहे हैं। और ये देखिए, तो आप जो निबड़ा नहीं ऊपर इतने सारे टूरिस्ट, तो यार मेरा तो इनको देख के ही मन खुश हो रहा है। कितनी पब्लिक लेपर्ड को देखने के लिए और ये जवाई सफारी करने के लिए आती है। जा रहे हम इस पहाड़ी के बैक साइड में, क्योंकि अभी वो लेपर्ड बैक साइड में गया है, तो बैक साइड से देखेंगे। अब टाइम हो चला है 6:30, तो अंधेरा जैसा भी हो रहा है, सनसेट भी हो चुका है। सनसेट दिख रहा था लेकिन भाई साहब स्पॉटिंग करते करते, लेपर्ड की स्पॉटिंग करते करते ही वक्त चला गया है। खैर लेपर तो देख लिए दो, लेकिन दूरबीन सारे भाई लोगों के पास में बिजी होने के कारण दूरबीन से नहीं दिखा पाया। खैर कोशिश करता हूँ, वापस हम पहाड़ के वो तरफ में जा रहे हैं, वहाँ से अगर दिखता है तो वहाँ से आपको दूरबीन में दिखाऊंगा जरूर। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इस पहाड़ी पे हम चढ़ रहे हैं और काफ़ी देखिए जिप्सी सारे इधर आ चुके हैं। देखिए इतनी सारी जिप्सी यहाँ पे खड़ी है, मतलब दिख रहा है, सब बोल रहे दिख रहा है। अब कहाँ दिख रहा है मैं भी देखता हूँ। और ये सामने की ओर में है, और ये देखिए कितने सारे जिप्सीज यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब अनगिनत, और अभी तक आ ही रहे। और ये सामने है, अभी इन्होंने दूरबीन दिए, मैं आपको दूरबीन से दिखाता हूँ। ये तरह मैं 3x जूम में नहीं दिखेगा आपको, मैं दूरबीन से दिखाता हूँ। ये अभी मैंने दूरबीन में, एक मिनट यार, ये अभी मैंने दूरबीन में लगाया, ये अभी मैंने दूरबीन में लगाया है और आपको दिखा रहा हूँ। ये तरफ में है, ये देखो सामने लेपड़। और ये जो है दूरबीन मैंने फॉरेनर से लिया है। ये देखो सामने दिख रहा है आपको लेपड़, एक ही जगह पकड़ के बैठा है, देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है। ये 3x में कर रहा हूँ मैं, आईफोन का आपको पता है 3x के आगे अभी 15 तो अपने पास में है नहीं है कि आप तो 5x दिखा दो। ये देखो हार भी काँप रहे हैं, बाकी बेहद खूबसूरत लग रहा है। ये देखो ये दूरबीन में मैंने आपको दिखाया, बहुत ही अच्छा है। और सारे टूरिस्ट दूरबीन में ही देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। पैसे वसूले भाई साहब, लेपर्ड को देखने की इच्छा थी और देख लिया मैंने, अभी भी देख रहा हूँ बैठे बैठे सामने। और यहाँ पे एक नियम है, आप नीचे नहीं उतरना, क्योंकि क्या है आप समझ ही सकते हो। तो सारे टूरिस्ट कार में ही बैठ के देख रहे हैं, सनसेट वगैरह तो हो चुका है। पीछे भी काफ़ी टूरिस्ट है अभी हमारे, देख सकते हो यहाँ पर भी पीछे जिप्सी बहुत सारे। अभी लेपर देखने आए थे लेकिन साथ में भालू भी दिख गया है, तो अभी ड्राइवर साहब ने बताया और सारे लोग बोल रहे हैं कि भालू भी है। तो खैर भालू के भी दर्शन हो गए, भालू भी नहीं देखा था हमने, भालू भी ओरिजिनल देख लिया। तो दूरबीन से और अच्छा से देखने के लिए सेटिंग करके दे रहे हैं मेरे को वो, और दिखाएंगे तो आपको भालू भी इसमें। अब वो मतलब हल्की बुल्की जो झाड़ियाँ है उसके अंदर भी छुप रहा है, इसलिए वो भालू क्लियर नहीं दिख रहा है। वैसे मैंने दूरबीन में देखा, अभी इन्होंने सेट करके दिया था ड्राइवर साहब ने। सारे टूरिस्ट लोगों के पैसे वसूले, मतलब जो सफारी करने आते ठंड के मौसम में सबके पैसे वसूल हो गए। लेपड़ भी दो दो तीन तीन दिख गए, भालू भी दिख गया, बेहद अच्छा। चलो तो देखा आपने, मतलब एक तो मैंने लेपड़ देखा, और बोलते हैं कि उनके दो बच्चे भी है, मतलब एक फीमेल है, मतलब इनको पता है जो ट्रैकिंग करते हैं हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, ये सब डिटेल रखते हैं। मतलब एक फीमेल मेल दोनों टाइप के मतलब लेपर रहते हैं, तो ये फीमेल है, उसके बाद में दो बच्चे थे, तो वो भी हमने देखे और ट्रैक किया, साथ में भालू को भी, तो वो भी मैंने आपको मतलब दिखाया, बट वो छुप गया, वरना वो भी दोपहर दूरबीन में दिखाता था। वैसे अंधेरा भी हो चुका है, फ्लैश लाइट ऑन करके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ,
और अभी ये सारी टूरिस्ट पब्लिक अब जा रही है। देखो अपने अपने जो भी रिसोर्ट रहेंगे, होटल्स रहेंगे, हम तो मतलब टूरिस्ट ही है। हम भी हमारे जहाँ से हमने ये ट्रैकिंग चालू की थी सफारी की, उस जगह जाएंगे। हमारे जो मित्र हैं रुपेंद्र सिंह जी, उनके गांव में वरावल में जहाँ से ये सफारी स्टार्ट होती है, बेड़ा और वरावल, तो पूरी डिटेल में आपको वहाँ जाके देता हूँ। तो अभी आ चुके हैं वरावल गाँव में, फिर से अभी यहाँ पर सब जन, मेरे ड्राइवर साहब भी साथ में हैं और पूरी हमारी टीम, और अभी चाय के लिए रुके हैं। इन्होंने तो लिया कोल्ड ड्रिंक और यहाँ बन रही है गर्म गर्म चाय, ये देखो। और ये चाय अभी सबको दी, कुल्लड़ वाली चाय गर्मा गर्म भैया ने बनाई है, ये देखिए। तो ये गली देख रहे हो, ये हमारे जिन्होंने हमारा पूरा अरेंज करवाया है, रुपिंदर सिंह जी, उनके घर में आया है। ये देखो यहाँ पे लिखा है परमार विला, और ये खूबसूरत सा गेट उनका लगा हुआ है यहाँ पे। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं इनका एक्चुअली शोरूम है हीरो का। तो ये बहुत सारी हीरो की बाइक्स यहाँ पे पार्क की है, छोटा सा गार्डन जैसा बनाया हुआ है बढ़िया से। और ये है इनकी प्यारी सी हवेली परमार विला, जो बोर्ड अभी हमने आपको दिखाया है बहुत खूबसूरत दिख रहा है, और माउंटेन सिंह जी ऊपर दिख रहे होंगे आपको, बेहद खूबसूरत दिख रहा है इनकी हवेली। तो आ चुके अभी रुपसा के घर पे बैठे हैं। तो अगर आपको सफारी करनी है और ये जवाई सफारी बहुत पसंद आई है, तो आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि उदयपुर और माउंट आबू घूमने आ रहे हो, तो वहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है ये। तो चलो आपको मिलवाते हैं रुपसा से और कुछ बातचीत करते हैं, और आपको वो पूरी डिटेल बताएंगे कि कितना खर्चा आ सकता है, यहाँ पे रहने का कैसा है, खाने पीने का कैसा है। तो हमारे साथ में है रुपेंद्र सिंह जी। तो रुपेंद्र सिंह जी, हमें सबसे पहले ये बताओ कि जवाई सफारी अगर करनी है तो ये जो जिप्सी वगैरह हमें बुक करनी है, तो इसको बुक करने में कितना खर्चा आएगा? खर्चा आता अपने 5,000। 5,000 रुपये खर्चा आएगा। अच्छा, तो ये जो पॉइंट आपने हमें घुमाए, जो 3 पॉइंट जैसे कि माउंटेन हिल घुमाया, जवाई बांध दिखाया, जो क्रोकोडाइल का वगैरह वो सब दिखाया, और जो भी लेपर्ड पॉइंट जवाई सफारी का वो सब दिखाया, तो वही सारे 3 पॉइंट आएंगे इसमें? 3 पॉइंट। ओके, और इन तीनों का मतलब 5,000 रुपये लगेगा। और इसमें जिप्सी में मेम्बर कितने लेने पड़ेंगे टोटल? 5-6 मेंबर होते हैं और एक बच्चा होता है, चलता 6 मेंबर होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक अपने जो साथ। अच्छा, टोटल मतलब 6-7 लोग इसमें आ सकते हैं आराम से? 6 से ज़्यादा नहीं चलेगा। अच्छा, और टाइमिंग क्या रहेगा सफारी का? टाइमिंग अपने 4 बजे स्टार्ट हो जाती है। 4 बजे सफारी चालू होगी, मतलब अपने को रन पे होना पड़ता है। ओके, 4 बजे मतलब जाना ही पड़ेगा, और ये मतलब सूरज ढलने के पहले आपको मतलब सफारी करनी पड़ेगी। ओके, और अगर किसी को रहना है वगैरह तो उसका कैसा? हमारे होटल भी है, कॉटेज भी बने हुए हैं। अच्छा, पूरी फैसिलिटी मतलब आपके पास में, मतलब आप पूरा पैकेज जो भी टूरिस्ट को दे सकते हो? जैसे टूरिस्ट बोलेगा हमको पूरा पैकेज चाहिए, रहने का, खाने का, पीने का, जो भी है, तो पूरा इन्वॉल्व भी करा लेते हैं, तो पैकेज बड़ा होता है। अच्छा, और यहाँ से जवाईबान रेलवे स्टेशन कितना किलोमीटर पड़ता है? अपने यहाँ से जवाईबान 8 किलोमीटर। अच्छा, मात्र 8 किलोमीटर रेलवे स्टेशन पड़ता है। अच्छा, इसमें उनका वहाँ से कस्टमर अगर जवाईबान उतरते हैं, तो जवाईबान से यहाँ तक लाने को और वापस उनको छोड़ने का मतलब उसमें होता है, उसमें पूरा 5,000 में आ जाएगा। अच्छा, आप और इसने आपने जैसे कि बोला कि कस्टम जो भी कस्टमर रहेंगे उनको पानी की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था सफारी के अंदर में पूरा आप उनका खर्चा उठाएंगे? व्यवस्था हम ही देते हैं, चाय भी हम ही पिलाते हैं। अच्छा, चलो थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ में बातचीत की और हमें इन्फॉर्मेशन दी। दोस्तों, आपके लिए रिकमेंडेड है ये जवाई सफारी, आप आना चाहो तो मैं पूरी डिटेल रुपेंद्र सिंह जी की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, तो सारा कुछ डाल दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करना, आपको पूरा सफारी बढ़िया से करवा देंगे और एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस लगेंगे नहीं, पूरा आपने इन्होंने आपको बताया कि रिलोकेशन से यहाँ तक और पूरा सफारी ये आपको करवाएंगे, तो पूरी डिटेल इसमें डाल रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और तो दोस्तों, आपको ये जवाई सफारी कैसी लगी और यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देख लिया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलेंगे ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ में, अभी के लिए दोस्तों जय हिंद।